नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटसी बिन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर मैच है सिंगापुर वर्सेस मलेशिया टीम्स के बीच। इस मैच के शुरू होने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे इस मैच को कवर करने के लिए, तो मैं सोचा आपके लिए कवर कर देता हूँ। और मैच भी ठीक है, अब विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं सैयद अजीज और मनप्रीत सिंह के साथ जाऊँगा। हालांकि दोस्तों, अजीज आपकी टीम में मस्ट हैव पिक रहेंगे। दोनों ही टीमों का अभी तक बुरा हाल है, दोनों मैच दोनों टीम ने दो दो मैचेस खेले हैं, दोनों मैचेस हार गया है। तो ये लोग नेपाल और ओमान से हार चुके हैं मैच। तो सिंपल सा लॉजिक आपने क्या करना है, यहाँ पे मलेशिया की टीम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है तो उस हिसाब से आपको टीम ने बनाना है। तो सैयद जी लास्ट मैच में हमारे पास थे, लास्ट मैच में उनका काफ़ी कम सिलेक्शन था, 60 प्लस का स्कोर किया था उन्होंने, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मनप्रीत सिंह सिंगापुर के बेहतरीन बैट्समैन में से एक हैं, या बैटिंग वाइज देखेंगे साथ में कीपिंग करेंगे तो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से आप दोनों को रख लीजिए, तो मैंने दोनों कवर किया हुआ और अजीज आपको ओपनिंग करते दिखेंगे, मनप्रीत मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करेंगे। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में टीम में दो प्लेयर हैं, एडवर्ड परम जो दिख रहे हैं ये बात, और ऑलराउंडर खेलने वाले हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे। चार ओवर की लगभग 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग करेंगे और बैटिंग भी इनका शानदार एवरेज है। मिडल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं नंबर 3-4 में। वही दोस्तों, दूसरा प्लेयर मैंने अपनी टीम में ऐसे रखा हुआ है जुबैदी जुल्कबले को, जो कि बतौर ओपनर खेलेंगे मलेशिया के लिए। हालांकि ये अटैकिंग बल्लेबाज हैं, चल गए तो फिर बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं और सिंगापुर का बॉलिंग भी उस हिसाब को उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। रोहन रंगराजन एक अच्छी इनिंग आई है ग्रैंड लीग के अंदर, ट्राई कर सकते हैं। अहमद फैज मिडल ऑर्डर खेलेंगे, आप इनको भी जीएल में ही ट्राई करिएगा। ये फिर आप ऐसे ऐप पे खेलें जहाँ पे 3 बैटर लेने हैं, वहाँ पे आप अहमद फैज को आप ले सकते हो, क्योंकि ये रोहन रंगराजन से कहीं ज़्यादा बेहतर बल्लेबाज हैं। वहीं चंद्रमोहन की बात करें, एक इनिंग इनके बल्ले से भी अच्छी आई है दो मैच में। लास्ट मैच में चंद्रमोहन चले थे, पहले मैच में रोहन रंगराजन चले थे, लेकिन सामने जो टीम है ना मलेशिया, उनका बॉलिंग अटैक मतलब सिंगापुर से कहीं ज़्यादा बेहतर है और मलेशिया को ये मैच जीतना चाहिए। ऑलराउंडर सेक्शन से विरेंदीप कमाल के ऑलराउंडर मलेशिया के, मिडल ऑर्डर अंदर बैटिंग करते हैं, 4 ओवर की पूरी बॉलिंग करके जाते हैं, नंबर 4-5 भी बैटिंग करेंगे, 4 ओवर की बॉलिंग कराएंगे, तो कैप्टनसी के लिए सेफ पिक रहेंगे। आमिर राजन ने लास्ट गेम में बॉलिंग कराई थी जहाँ इनको 3 विकेट शायद मिले थे और ये बढ़िया ऑलराउंडर है, लेकिन बस इनका एक माइनस पॉइंट है कि इनके ऊपर कभी कभी कट जाते हैं, तो CVC मत करना इस बंदे को, सिर्फ एज अ प्लेयर रखना। नीचे विजय उन्नी काफ़ी उभरते हुए प्लेयर हैं, ये भी आपके लिए मस्ट पिक है। और जनक प्रकाश आपकी टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट डेथ में भी कराएंगे, तो चारों लेके जाइए, इनमें से कोई नहीं छोड़ सकते। उमेश दुरे उतने कुछ खास भी कहने, बॉलिंग सेक्शन में टीम में 3 प्लेयर हैं, पवनदीप इंपॉर्टेंट है, अनंत कृष्ण भी एक अच्छे बॉलर है और ऐसे कलीमुथु रमेश नाम इनका, ये भी एक अच्छे प्लेयर है, तो तीनों को लेके जाइए। अब देखिए, खिजर है दुरानी लास्ट मैच खेले नहीं थे, थोड़ा सा एवरेज रहेंगे। इजाद इदरुस को आप ट्राई कर सकते हो, स्पेशली इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, रौनक पुली और फिरती सैम भी बॉलिंग फर्स्ट में अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन फिरती सैम को लास्ट गेम में सिर्फ 1 ही ओवर मिला था, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाते हैं। तो आप इजाद इदरुस को रोटेशन में जरूर ट्राई कर लीजिएगा, स्पेशली मलेशिया कहती पहले बॉलिंग आ जाए। तो बात कर लेते हैं हम कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की। तो दोस्तों, मेरी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं ऐसे बिरनदीप सिंह और वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने किया एडवर्ड परम को। बस अपने क्या करना है, ग्रैंड लीग के अंदर मलेशिया के बॉलर्स को CVC करना, और डिस्क्रिप्शन वाले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो अपने टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना यदि आप मैच खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 25,000 ज्यादा दोस्तों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया। बस आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने आपके लिए मैच कवर कर दिया, बाकी हम विथ स्टार्ट सारी पूरी सीरीज कवर कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा बाहर था कुछ इंपॉर्टेंट काम से, तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी इस मैच को विथ स्टार्ट कवर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे पास स्टार्ट सारे हैं, आप चाहोगे तो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। बाकी इन्हीं दोनों टीमों के बीच आपको हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको जब भी दोनों टीमें अपने आखिरी मैच खेली थी ना लास्ट मैच, तो वहाँ पे आपको इनका वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से अभी आप स्टेट जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन वाले कमेंट में लिंक है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, कि कोई जिस टीम से मैं खेलूंगा वो टीम मैं आपके साथ वहाँ पे शेयर कर दूंगा। 25,000 ज्यादा दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।